बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। लंदन की क्राउन कोर्ट ने पाकिस्तान की के नैब को तकरीबन 4 बिलियन रुपए का जुर्माना और अमाउंट जो रिकवरी के तौर पर उनकी थी, एक फर्म को पाकिस्तान की जो हुकूमतों ने इस काम के लिए मुख्तस किया था, उनका हायर किया था कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या जो भी दूसरे लोग हैं उनकी लंदन में जो भी जायदादें हैं उनका सुराग लगाया जाए। पूरी दुनिया में इस किस्म के अदारे काम करते हैं जो ऑन पेमेंट इस किस्म की जासूसी भी करते हैं और इस पर खिदमात सर अंजाम देते हैं। उसमें पाकिस्तान को जो सर्विसेज के चार्जेस थे वो 283 यानी आप कह सकते हैं 2 अरब और 83 करोड़ रुपया रिकवरी थी। इन्होंने पैसे नहीं दिए ना अपील की, तो फिर अब वो 4 बिलियन रुपया तक पेमेंट करनी पड़ रही है। ये पाकिस्तान को काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्तलफ इसमें लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इसमें सुरखरू किया है। मरियम नवाज शरीफ साहब ने यही कहा है। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि ये 20 साल पुरानी यानी एक फर्म थी जिसको लिया हायर किया गया था पाकिस्तान ने, तो लेकिन उसमें जो फ्लैट्स का जिक्र है कि इन्हीं के हैं, ये कंट्रावर्सी है, उस पर बात करेंगे। दूसरा मच्छ जो बलोचिस्तान में आपने देखा कि 11 बेगुनाह वो बेचारे मजदूर थे उनको कत्ल कर दिया गया और उनके लवाहिकीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। शेख रशीद साहब भी वहाँ गए, वो भी वहाँ नाकाम लौटे हैं। फिर मिनिस्टरों के एक और 2 मिनिस्टर गए दुल्की बुखारी साहब, तो उनसे मुज़ाकर कामयाब नहीं हो सके। उनका कहना ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ तशरीफ़ लाएँ, चले जाना चाहिए, ये एक अलहदा मसला है कि क्यों नहीं जा रहे अभी तक। कराची फिर दहशत गर्दों की निशाने पर है, दहशत गर्दी पर। और नकटा ने एक आज बहुत ज़्यादा अलर्ट जारी किया है कि बड़ी बड़ी अहम अमारात शख्सियात या अदारों को निशाना बनाया जा सकता है। फिर हम एक PDM की तहरीक पर भी बात करेंगे जिसका आज भी उसका फॉलोअप के तौर पर जलसा बनों में हुआ है। उसमें क्या क्या बातें हुई हैं, उसका फ्यूचर क्या है, क्या सियासी पार्टियाँ इस वक्त भी मुत्तहिद हैं, आगे क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, सीनियर मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, और कर्नल असद महमूद साहब हैं, तजियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे अजहर सदीक साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, और ब्रिगेडियर गजनफर सैयद साहब। वेलकम टू द शो। जी पहले मेरा हाल राना साहब आपकी तरफ आ जाते हैं क्योंकि मसला तो अभी हुआ है पाकिस्तान में। इससे पहले भी मसलन जिसको आप कह सकते हैं कि हायर की जाती रही फर्में पीपल पार्टी के दौर में भी होती रहीं, लॉबिंग के लिए होती रहे, लॉबिंग के लिए करते हैं, यानी बाहर के अदारे ऐसे हैं जो बड़ी तहकीकात करते हैं। ये पाकिस्तान ने यानी ख़ास तौर पर नैब ने इस तरह का एक वहाँ किसी अदारे की सर्विसेज हायर की कि पाकिस्तान के जो लोग वहाँ दौलत छुपा के बैठे हैं, जैसे लूट मार करके बैठे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है या फ्रॉड किया है, तो उनको उनकी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट किया जाए और सुराग लगाया जाए। ब्रॉडशीट कंपनी से हायर किया गया, तो इसमें क्या कहेंगे आप? वैसे मैं वेलकम जरा कर लूँ। अच्छा सदीक साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जरा बात सुन लें, हम ब्रॉडशीट पर बात कर रहे हैं जो लंदन की फर्म है, तो जो क्राउन कोर्ट ने जुर्माना किया पाकिस्तान को यानी रिकवरी प्लस जुर्माना, तो उस पर बात जी राणा साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि टीवी चैनल का, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, मैं समझता हूँ दोनों क्वेश्चन बड़े अहमियत के हामल हैं, और जो लंदन में मैं समझता हूँ कि ब्रॉडशीट वाला इशू है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि जो स्टेट के इदारे होते हैं वो कौम के इदारे होते हैं, ऐसा ही, और उसमें नैब ने जो भी डेटा कलेक्शन या प्रॉपर्टी या सासे ठीक है उनकी एक जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं इसमें सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूँ उसमें 22 करोड़ आवाम में से 1 लोग थे, 2 थे, 5 थे, 10 थे, उनकी एक शीट तो विद इन पैरामीटर नैब को भी इन्वेस्टिगेट करने के बाद डिक्लेयर करनी चाहिए थी कि ये लोग हैं जिनको उन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ है। काफी लोग हो सकते थे, वो 1000 थे, वो 5000 थे, वो 10000 थे। उसके बाद उनकी मैं समझता हूं कि ग्रेडिंग की जाती, ग्रेडिंग नंबर 1 में ये लोग हैं, ये 2 में है, ये 3 में है, और उसका होपफुली कोई ना कोई रिजल्ट आता। और यहां अगर जिद
और मैं सर का मतलब है कि जो पेमेंट की गई है जो सर्विसेज उससे कोई 10 गुना ज्यादा तो रिकवरी होती, रिकवरी होती, और उसके बाद ऑलमोस्ट उस कंपनी को भी पता होता कि इन्होंने वर्किंग की हुई है और यहां होपफुली हमें रिजल्ट देना है। मैं समझता हूं कि ठीक है मियां नवाशी साहब के खिलाफ वो उसमें शामिल था और जो वहां लंदन कोर्ट ने डिसीजन दिया है, लंदन कोर्ट ने डिसीजन को एक दिन में तो नहीं दिया, उन्होंने तमाम अपने पैरामीटर्स को का तयन करने के बाद दिया है। और फिर मैं समझता हूं कि जो असल जर है 2 अरब 83 करोड़ है या अब वो जुर्माना भी आ गया, मैं समझता हूं कि ये होना नहीं चाहिए। बतौर स्टेट मैं समझता हूं कि ये कोई इज्जत या नेक नामी का सबब नहीं बनता। हम पॉलिटिकल लोग होते हैं, हमें हम कटौती कर लिए बैंक से हमारे सफारतखाने की जो और मैं समझता हूं कि जब वो अगर सफारतखाने से भी जो आपने कहा है बिल्कुल मेरे भी नॉलेज में यही है, तो इस पर चाहिए था कि जितने इमरान अहमद खान ने सब खिताब करते रहते ये इस पर भी खिताब कर देते कि हमें ये प्रॉफिट हुआ है, ये नुकसान हुआ है, ये हम चाह रहे थे, ये हुआ ये नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि इसमें अब मजीद नैब ने जो गोल इधर खिलाए हैं, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया वो तो गोल खिल गए। आप लोग कहते हैं मरियम नवाज साहब ने कहा कि ये जो है ना हमें अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा। मैं देखा अर्ज करता हूँ, आप हों या कर्ण साहब हों या मैं समझता हूँ कि अदर सदीक साहब हों, अगर हम में से कोई हमें किसी इशू पर चैलेंज करके कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में जाहिर किसी एक के खिलाफ तो फैसला आना ही है और कोर्ट ने तमाम एविडेंस के बाद ही डिसीजन करना है ना। तो मैं समझता हूं कि अगर एक आदमी बेगना है और उसकी बेगनी साबित हुई है तो इसमें अल्लाह ताला की जात का नवाज साहब की बेगनी कहां आ गई, नहीं तो उनकी गुनाहगारी कहां थी मुझे ये बता दिया जाए ना कि खुदाना खास्ता उनकी गुनाहगारी थी कि ये प्रॉपर्टी उनके उनके फर्म है उसने सर्विसेज की आगे रिकवरी नहीं, तो सर्विस किस चीज की खदाना खास्ता कोई शुगर तो नहीं ढूंढ रहे थे, खदाना खास्ता कोई मैं समझता हूँ कोई वहां को कोरोना का मरीज तो नहीं हमारे ढूंढने गए थे, वो उनको पैरामीटर्स दे दिया गया, उनको एक ड्यूटी दी गई थी और वो चीजें उनको मतलब तयन करने के लिए कहा गया था कि आपने ये डाटा हमें देना है, ये इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है। तो जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके बाद जो रिजल्ट निकला है उसमें मैं समझता हूं कोई भी शख्स हो अगर वो बेगना है तो बेगना ही होती है, तो वो अल्लाह ताला की जात का ही कर्म होता है, इसमें मैं समझता हूँ हमारा कोई कमाल नहीं। ये हज़रत शेख साहब ये केस को किस तरह आप लेते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि ये बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन थी या सर्विसेज उनके लिए हायर की गई थी ये पर्पजली यानी मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली को ही टारगेट करने के लिए ली गई थी तो निकला तो कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। बस असल प्रॉब्लम यह है कि हम लोग पढ़ते नहीं है ना हम रिकॉर्ड देखते हैं। आपको याद होगा कि 1997 के अंदर एहतसाब कमीशन और एहतसाब एक्ट बना था, अल मरूफ सैफुर रहमान एहतसाबुर रहमान कहा जाता था उनको, और उसके बाद जब गवर्नमेंट डिजॉल्व हुई तो 1999 में परवेज मुशर्रफ ने यह कानून बनाया था। तो 99 में ही जब यह कानून बना तो ब्रॉडशीट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2000 में, ये ईरानी के साथ बरतानवी है और उसके साथ तय हुआ कि जो रिकवरी होगी 100 में से उसमें से 20% जो है वो इनको जाएगी। अच्छा। और पाकिस्तान से बाहर सराग लगाना था, तफसीलात करनी थी, नाजायज जायदादों के बाद कार्रवाई करना थी। अब यहाँ बुनियादी तौर पर तो नया का कानून 16 नवंबर 1999 से ये मार्ग वजूद में आया और इस पर हमने बहुत तेजी से काम किया, इतना तेजी से काम किया, इसमें यह कहना कि नवाज शरीफ वगैरह का नहीं, ये बुनियादी तौर पर तमाम मदा असल जरदारी साहब भी थे इसके अंदर और इसके अंदर तमाम लोग वो शामिल थे और बड़ी खातर खां कामयाबियां उनको उस फर्म ने हासिल की थी। उस फर्म के बाद जब बदनामे जमाना एनआरओ आ गया, आपको याद है, जिसने ये तबाही कर दी सारे निजाम की, कुछ रिकवरियां आके केसेस सारी डिटेलें निकाल के आने के बाद एनआरओ कर लिया गया, जनरल मुशर्रफ ने किया था और उस वक्त के बाकायदा लिखा भी हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज किया था फारूक आजम खान साहब के प्रोसिक्यूटर नैब के और उन्होंने वजूहा की दिया। नहीं, बुनियादी तौर पर नैब के हवाले से फारूक आजम खान साहब थे। अच्छा। और ये बुनियादी तौर पर जब ये लिख के कॉम्प्रोमाइज हो गया और तमाम मामले एनआरओ के बाद खत्म हो गए, अब उसके बाद कोई बात रह नहीं गई थी कि यहाँ होना था, अब ये तो चले वो तो खत्म हो गया। अब ब्रॉडवे जो ब्रॉडशीट ने जो काम किया था
उन्होंने अपनी रिकवरी हो तो कह रही थी कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था कि एकतरफा तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता, मुशर्रफ दौर में एकतरफा तौर पर खत्म हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएम ये क्यों करते भाई, अगर उसको परसू करते तो ये कल ये फंसते थे, इसलिए किसी गवर्नमेंट ने उस मामले को देखा नहीं और उसको एकतरफा सारे काम को होने दिया। और आर्बिट्रेशन की आपको पता है प्रोसीडिंग पाकिस्तान ने भुगती है, कारगे के अंदर पाकिस्तान ने भुगती है, रेकोडेक के अंदर पाकिस्तान ने ये सारे मामले इसलिए जीते हैं कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग है और ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। और अगर हम वैसे ही अगर देखा जाए कि मौजूदा गवर्नमेंट का देखिए, हम वैसे ही अब इल्जाम लगाते रहे मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या करना था। तो ये फिर मुस्लिम लीग जो नून कहती है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इसमें सुरखरू हुए, तो मकसद आपके कहने का ये है, ये बड़ा दुख, उस जमाने में जो यानी एनआरओ हुआ था वो सारे केस तो पाकिस्तान की ये अभी बादशाह साहब बड़ा अपना चंदा चकोरी मांगने को जायदाद, ये बेवकूफ बनाना, कौम को बेवकूफ बनाना, ट्विटर पे बैठ के ट्वीट कर देना, बाद में डिलीट कर देना, यानी कहां से बड़ी हो गए नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तानी कानून के तहत सजाएं हुई हैं और उसी सजाओं के अंदर आप हो क्या रहा था, यानी ब्रॉडशीट में जब पैसे लेने के लिए कोर्ट में गए तो प्रॉपर्टियां अटैच कर रही थी। अब वो प्रॉपर्टी अटैच करने के हवाले से अगर ये प्रॉपर्टी अगर इन्फ्यूज किया तो अटैच हो इसका पनामा के केस से क्या अज़र, 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 अज़र सदीक साहब, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जरा देखें तो सही कि जी लंदन हाई कोर्ट में और पाकिस्तान के पैसे वो सीज कर रहे हैं कि क्या एक तो उसकी वो ज्यूरिसडिक्शन आती है और इंग्लिश और इंग्लैंड इज द कंट्री कि जो मैं समझता हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का दुनिया का सबसे बड़ा हब है। आप जरा इस एंगल से भी चीजों को देखें, वाई बिकॉज अगर आप फर्ज करें किसी तरह कोई प्रोसिक्यूट अगर आपके हाई कोर्ट करते हैं किसी यूके नेशनल को तो बहुत सारी चीजें उठ पड़ती हैं एंड सी एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। देखिए हमें इन चीजों को भी फोकस करना है और साथ ही मुझे यह कहना चाहिए कि हाँ ऑल दोज पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल जिनकी वजह से 4 अरब गया, चाहे आप वो प्रॉपर्टी परवेज मुशर्रफ की कन्फिस्केट करके वो हुकूमती खजाने में जमा कराते हैं, बिल्कुल हमें कराना चाहिए। एंड इन द सेम मैनर अगर रेकोडिक का जो किस्सा हुआ था तो मैं समझता हूं कि जो पिछला चीफ जस्टिस था इफ्तिखार चौधरी उसकी सारी जायदाद जब्त करके वो भी पाकिस्तानी खजाने में जमा करानी चाहिए। एनफ इज एनफ नाउ, ये दिस जोक मस्ट फिनिश नाउ। देखिए आसिफ साहब, आप बातें तो बड़ी ठीक कह रहे हैं लेकिन बुनियादी तौर पर इशू यहाँ ये है कि आर्बिट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंदर आर्बिट्रेशन की क्लाज है और पाकिस्तान सिग्नेटरी है, लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के तहत ये मामला चलते हैं और आर्बिट्रेशन में जब अवार्ड आ जाता है तो वो पैसे आपको देने पड़ते हैं। और बुनियादी तौर पर आपको पता यही है कि पाकिस्तान, आपको याद है कि ये तेल के मायदे, ये बिजली के मायदे, ये सारे जो किए हैं इसके अंदर इंटरनेशनल गारंटियां दी हुई हैं। कल वो अगर अगर चले जाते हैं आर्बिट्रेशन में, आर्बिट्रेशन का बोला आर्बिट्रेशन फैसला नहीं होता, वो तो दोनों फ्रीक एंड बैठ के बिल्कुल आर्बिट्रेशन मैं समझा दूं कि ये जो नवाज, ये जो मिठाइयां बांट फिर रहे हैं ना, बाद में फिर रोते हैं और बगले बजाते फिरते हैं, ये तो इशू पनामा के हवाले से था ही नहीं, ना पाकिस्तानी नैब कोर्ट के हवाले से अटैचमेंट की। इसमें मैं अज़र सदीक साहब को बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा, इससे कोई ताल्लुक नहीं है नवाज शरीफ साहब का या उस तरीके से उनके फ्लैट का। इस फर्म ने ये बीच में गई थी कि जी हमने तो क्योंकि पैसे लेने, हमें पैसे नहीं मिल रहे तो आप हमें इन फ्लैट्स को दें। मीनवाइल हुआ ये कि यस कि पाकिस्तान का जो वहां पे सफारत खाना मौजूद है, दे आर रिच पीपल, वो पैसे पड़े हुए थे उनके अकाउंट्स में, वो उनका जी सीज कर लो, दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। यही मैं अज़र सदीक साहब कहना चाहता हूं कि अगर ये सारी मतलब कानूनी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आर्बिट्रेशन या हम करना पड़ता है तो फिर डिक्लेयर कर दें कि पाकिस्तान यूके के नीचे आ गया उनकी एक लिहाज से, उसी तरीके से 1947 से पहले के हालात आप लेके चले जाएं। देखिए दिस इज समथिंग रियली बड़ा पेनफुल है सारी चीजों को देखना। नहीं 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 सब ये इशू नहीं है, आर्बिट्रेशन का तो प्रॉब्लम ही यही है कि साक्षी के हवाले से पाकिस्तान सिग्नेटरी है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आर्बिट्रेशन का हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है और बाहर के अंदर हो, जरा रुकें, जरा रुकें, अपना ही आपसे ले लेते हैं ये जो बात हुई है, राणा अर्शद से बात करें। सर गुजारे ये है, मैं कहता जी अज़र सदीक साहब ने ठीक कहा, कहां पे इन्होंने देखा मैं मिठाई बांटते हुए,
किसको मिठाई खाते हुए पहले बांटते रहे, ये ना किया करें कि वो पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया में ये होता था, इंडिया के बाद बांग्लादेश में ये होता है, लिहाजा ये पाकिस्तान वालों का है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मसला बड़े सीनियर हैं मेरे भाई हैं, इशू ये है, मैं वही अर्ज करता हूं कि वो 22 करोड़ आवाम में से अगर ब्राडशीट ने कितने खुरा तो आपकी तरफ चला गया कि आपकी हुकूमतों ने उसको रिफंड नहीं किया। मैं अर्ज करना चाहता हूं, करना भी नहीं था, मैं नहीं हमें उस वो एग्रीमेंट किया किसने था, मुशर्रफ ने, तो फिर खत्म किसने किया, एनआरओ जो आपने ले लिया, नहीं एनआरओ लेने वाले और देने पर अल्लाह की तरफ से जवाब हो, और ये अच्छे किए और ये अच्छी बात और, और जिसने दिया वो एग्रीमेंट कहां पे है, वो बरिस्टर साहब के पास है, मेरे भाई अजहर सदीक साहब के पास है, तो उसको ले आए कि एनआरओ में ये भी लिखा हुआ था कि ब्राशीट ने जो किया है उसको विड्रा करते हैं, अगर नहीं है फिर आवाम की आंखों में हमें कितने लोग टोटल है और उसमें अगर मियां नवाज़ साहब का नाम शामिल है तो कब से है। देखिए ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, होता ये है कि जब रूलर्स इस मुल्क को टेक ओवर करते हैं तो ऐसे उस भरम के साथ उस गुस्से के साथ आते हैं कि पता नहीं क्या से क्या एक्चुअली मलियामेट कर देंगे और फिर फाइनली ये लोग कंप्रोमाइज करते हैं, चाहे वो रूलर्स कह लें चाहे वो डिक्टेटर्स कह लें, वो कंप्रोमाइज करते हैं इन तमाम करप्ट लोगों के साथ। और मैं हकीकत आपको बता दूं, ये जो एनआरओ दिया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने, ये कब्र तो छोड़ देना, ये आखिरत तक भी उसका पीछा इसलिए नहीं छोड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस एनआरओ सैकड़ों नहीं हजारों लोग एक तो बरी हो गए थे अदालतों से, उनको फारिग कर दिया गया था, वो तमाम लोग जिन्होंने इवन कत्ल भी किया होता है। एंड आई वुड सिंपली से ये ऐसा स्टिग्मा है पेशानी के ऊपर जनरल परवेज मुशर्रफ की कि बाकी इसको कोई नहीं हटा सकता। डॉक्टर इशरत अलाहाबाद जो थे उन पर कितने केसेस थे, मर्डर बिल्कुल और वो रिटर्न हुआ था 8,000 से ज्यादा लोगों पर केसेस विड्रॉ किए गए थे ना, नहीं तो उसमें एनआरओ कट्ठे था, कितने लोग थे हमारा भाई, कोई नहीं था, सही बताता हूँ एनआरओ कट्ठे था, नहीं नहीं सर हमारे साथ नहीं, उनका अगर लेकिन थे सुबह कालम पढ़ा उसमें ये है कि ये कोई आदमी यहाँ मुकद्दस गाय नहीं है, इफ्तिखार चौधरी जो रिकॉर्ड पर फैसला कर गया एक तरफा, वो भी आपने इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसने $6 बिलियन पाकिस्तान को डाला हुआ है, उनका इसकी भी सारी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया जाए, जब यह अगर कानून है तो ऐसा यहाँ क्यों नहीं हो सकता। वो दूसरा सवाल भी है कि जब इन्होंने कहा कि अगर ये काम हो गया लंदन में, यानी हमारे बैंक से उन्होंने पैसे खुद ही निकाल लिए, तो फिर तो सारी दुनिया में हमने कई लोगों को देने हैं, हमारे बैंकों से पैसे निकाल लिया करेंगे। देखिए वाकई साहब प्रॉब्लम यहाँ यही है कि मैंने सवाल किया था राणा शाह साहब बुरा मान गए इस बात का कि इनकी गवर्नमेंट 5 साल थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 5 साल थी, ये अपोजिशन में थे, ये सारी को सामने रखते हुए इन 10 सालों में इन्होंने ब्रॉडशीट वाला मामला क्यों टेकअप नहीं किया, क्यों देखते हैं? पहली बात तो ये है उसकी वो वजह ये है ना कि दोनों बेनिफिशियरी थे ना, अगर उनको छेड़ते तो एनआरओ वाले सारे मामले सामने आ जाते, वो बड़ा मुझे यही तो तकलीफ और दिक्कत है कि हम स्टेटमेंट नहीं। भाई सर आपकी गवर्नमेंट ने इंतजार क्यों किया, आपको पहले उनकी पहली तो नहीं, पहली कैबिनेट मीटिंग में टेकअप कर लेने चाहिए था, जैसे आपने कहा कि मियां नवाज़ी साहब के प्राइम मिनिस्टर हाउसेस के अखराजात निकालने, देखना 2.5 साल गुजर गए, अब वो जुर्माना हो गया, उन्होंने रिसीव कर लिया, तो इसका जिम्मेदार तो इमरान खान साहब है, वो इनकी गवर्नमेंट से पहले अवार्ड हो चुका हुआ है, वो यानी इस गवर्नमेंट में नहीं हुआ अवार्ड, वो इंटरेस्ट अवार्ड पहले हुआ है, लेकिन अगर वैसे तो आप गए अजहर सदीक साहब फिर यही रिमाइंड करा देना, अवार्ड हो गया अजहर सदीक साहब अवार्ड हो गया, अवार्ड के बाद अटैचमेंट होनी थी सारी, ये नहीं 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 अजहर सदीक साहब फिर आप कलभूषण यादव का किस्सा याद करा देना कि तारीख सर पे आ गई थी और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, बजाय इसके के वकील करते उसको एक्सेप्ट कर लिया जाके जी हम एक्सेप्ट करते हैं और हम आप आइए आप इस आलमी अदालत इंसाफ के अंदर, आप इसको भी सर जरा क्लियर करें ना, फिर ये प्रॉब्लम देखिए प्रॉब्लम यही है, यही तो मैं कह रहा हूँ कर्नल साहब के बुनियादी तौर पर स्टेट्समैन बनने के लिए हम तैयार नहीं है, हम शाह से शाह के वफादार बनते हैं, कुलभूषण यादव के मामले में वो तो गद्दारी के जुमले में आता है, बिल्कुल आई एग्री विद यू, जिस तरह मैटर को टेकअप करके गए, जिस तरह रास्ता दिया, जिस तरह हालात बनाए,
पाकिस्तान वो फेस कर रहा है। साहब आप उसके वकील के लिए आप परेशान रहते हैं, न्यायाधीश साहब परेशान रहते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को तो कोई परेशानी नहीं, परेशानी तो अब आपकी गवर्नमेंट को है। नहीं आपने तो कुलभूषण को पकड़ा था, अब आप उसको सजाए मौत क्यों नहीं देते भाई, लटका दे। वो पायलट भी हमने वापस किया था, चाय का कप भी हमने दिया था, टांगे जब कांपती है ना तो वह जिसम साथ नहीं देता। टांगे किसकी काम कर रहे हैं ये भी बता देना, राणा जी टांगे कांपती किसकी है, मौजूदा हुक्मरानों की और सपोर्टर की है, मौजूदा हुक्मरान और उनके सपोर्टर जो है उनको चाहिए। आप भी करवाते हैं भाई, मोदी तो आपका यार है, जब आपने कहा था कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर आजाद होगा और 73 साल में कश्मीर जो है वो जा चुका है, ये तारीख में लिखा जा चुका है। जब सदीक साहब के आपकी गवर्नमेंट में कश्मीर का सौदा हो गया है, कश्मीर आज से जा चुका है। जुमातुल मुबारक में आपकी गवर्नमेंट कहती थी आधा घंटा लेटना है, उठना है, बैठना है, अब क्यों भूल गए? आगे चलते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बात कर जाते हैं। मैं आपकी तरफ सा बात जी साहब, आप जरा इस पर अपना कमेंट से जरूर करें। अब इसमें मुझे बताइए उस फैसले से मियां नवाज शरीफ साहब की सजा का क्या तल्लुक है? कोई तल्लुक नहीं, मैं बड़ा सिंपल सा बात और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। यार जीत रही बैठी है मरियम नवाज साहबा, कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो सजा हुई है, पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टियां अटैच होनी है वो प्रोसेस अभी चला ही नहीं है। पाकिस्तान से जब इन फैसलों के मुताबिक प्रॉपर्टियों ऑर्डर हो गए हैं, जजमेंट सस्पेंड है और वजह ये है कि कर रही है आपकी पार्टी। ना वो इनकी पार्टी टूटे कर रही है ना कि हम तो बड़ी जुम्मा हो गए, शोर मचा हुआ है, यही है वो साथ है, कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या करें, वाले तो खाने पीने में लगे हुए, तो हमने तो कुछ भी कुछ ना कुछ तो करना है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, हमने कुछ करना है। बिल्कुल मजबूर है ना जी, राणा साहब को हाजिरी लगा, नहीं राणा साहब को तो मैं मानता हूँ, देख रहे होते हैं इन जैसे वर्कर्स बड़े कम होते हैं पार्टी के अंदर। आज मैं इनसे बात कर रहा था, आप देखिए ना, आप सिर्फ ये देखिए, हम मुशर्रफ साहब के दौर में भी अगर लेकर चले देखे कुछ चीजें हैं जो माननी पड़ेगी, तो मुशर्रफ साहब के दौर में 221 रुपए की रिकवरी हुई थी पूरे साल के अंदर, और 10 सालों में पीपल्स पार्टी और नूनी ने 4 अरब 10 इसको छोड़ दे। अब मुझे ये बताइए कि आज भी जो जलसा हुआ है उसके फॉलो अप के तौर पर बन्नों में जलसा हुआ है, तो मुझे बताइए जिस किस्म की लैंग्वेज यूज की जा रही है, और फिर जो मुझसे कफायत वाला तो भाग के चला गया है सिंध में किसी मदरसे में छुप गया है, तो ये जो रिवाज बन गया, ये हुकूमत वाह वाला तो बड़ा करती है, किसी पर केस क्यों नहीं करती कि जो भी यानी कोई अफवाज पाकिस्तान या अदालतों के खिलाफ को काम करता है या दुश्मन मुल्क का जो नैरेटिव लेके आगे चलता है तो उसको क्यों नहीं ये प्रोसीड करते, शोर क्यों ज्यादा मचाते हैं? 5-6 लोगों ने रखे हुए वो टीवी पर आ जाते हैं। जी आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। देखिए बुनियादी तौर पर जो बात समझने वाली है वो बड़ी सीधी सी है कि बड़ी देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने बड़ा टाइम लगा दिया कि जो काम जितना करना होता है, मिसाल के तौर पर सडिशन के हवाले से, बगावत के हवाले से, आपको पता है गुजरावाला के अंदर जो जुबान सफदर सफदर ने इस्तेमाल की, फिर तो उसके बाद सादरा के अंदर हुआ, सारे खड़े हुए, किसी ने नहीं ये देखा कि जो स्टेट के खिलाफ जुबान आ रही है, खुद सोशल मीडिया पे कैंपेने चलना शुरू हो गई और उसका नुकसान क्या हुआ कि ये लोगों को हवा मिल गई और ये ताकत बन गए और इन्होंने कहा कि जिसको मर्जी गजो मर्जी कहते रहे, कोई पूछे ना, आपके अंदर आप खुद सोचें कि जो ये जुबान इस्तेमाल करते हैं खुशियां कहां मनाई जाती हैं, दुश्मन वालच में भारत में मिठाइयां बांटी जाती है, उनके चैनल को अवेला कर रहे थे, ये देखें ये पाकिस्तानी लीडर बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज के बारे में, ये डूब रहने का मकाम है इन लोगों के लिए, कोशिश करके अब उन्होंने नीचे इशारा था दे दिया डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को अब डिप्टी कमिश्नर सारे मामले को लेकर चल सकता है। और सवाल ये है कि यहाँ मुफ्ती कुमारदला के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है, अली वजीर के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है, मुफ्ती कुमारदला बाहर के वहां से चला गया है, अब ये जो बंदू के अंदर हुआ है इसमें बहुत सीरियस एक्शन लेना चाहिए, जो बगावत के पर्चे बनते हैं उनके खिलाफ दबी दबी बात कह रही थी। बहुत शुक्रिया सर सदीक साहब, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, राणा साहब सवाल आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूँ कि बन्नू में मरियम नवाज शरीफ साहबा और बिलावल की अदम शिरकत है, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो पीडीएम की तहरीक है
इसका अंजाम खात्मा बिलखैर हो रहा है या क्या आप करेंगे? इस सवाल का जवाब नाज़रीन अब हम लेते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। राणा अरशद साहब से हमारे साथ रहिए। नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और हम बात कर रहे थे राणा अरशद साहब से कि पीडीएम जो है आज बन्नू में जलसा जो हुआ उसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा और बलाल भुट्टो जरदारी साहब वहां नहीं गए, दूसरे नंबर की क्यादत वहां गई है, क्या आहिस्ता आहिस्ता पीडीएम अंजाम की तरफ बढ़ रही है? गुजारा ये है कि हम तो बड़े सुकून में हैं, क्योंकि सुकून में तो नहीं है आप। सुकून में इसलिए हैं कि न्याय साहब का एक ही काम है, यहाँ के टीवी चैनल्स और पैमरा ने मियां नवाशी साहब पर वो हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई, पैमरा ने ठीक है चलो हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट में फरिश्ते गए थे, इस हकूमत के फरिश्ते गए थे रियासत मदीना के, और उनके कहने पर अब गुजारिश ये है, हमें इसलिए खुशी है कि कोई प्रोग्राम कोई एक घंटा मियां नवाशी के नाम के बगैर चलता ही नहीं है, और न्याय साहब की कैबिनेट मीटिंग शुरू होती है रेंट तक पौनी मीटिंग होती है नवाज शरीफ पर, इसलिए मर्ज करना चाहता हूं। बहुत ज्यादा इसलिए मर्ज करना चाहता हूं कि वो और कुछ नहीं कर रहे, दो काम कर रहे हैं, एक अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने के बाद जेलों में बंद, और दूसरा आवाम को जिंदा ही कब्रों में सुकून देने के लिए, जो खान साहब ने फरमाया था कि सुकून कब्रों में आता है। अब मर्ज करना चाहता हूं कि जो बलूचिस्तान में जो यार अल्लाह को प्यारे हो गए, अब मैं समझता हूं कि अगर 2012 में खान साहब ऐसे ऐसे गए थे तो अब खुदा ना खास्ता वो अपने ही केसर निकाल के देख लें, फरमा रहे थे कि 2012 में जनाब आसिफ अली जरदारी सदर है, वो सदारत छोड़ दे, ये गवर्नमेंट सब छोड़ दे, हमारी गवर्नमेंट आएगी जी हम ये करेंगे, तो अब वो जिसको पीएन की नौकरी नहीं देनी थी उसको वजारते दाखला दे दी, तो नहीं करते इलेक्शन कमीशन में से क्या मजारे करो चार दिन हो गए, लेकिन बंदे चार दिन हो गए वो मच में, वो जो मैं समझता हूं कि उनके वर्षा में वो तो अब आपको ललकार रही है, वो बैठे हैं जलसे करो, इससे बड़ी इकबाल साहब नाकामी किया है कि वजीर दाखिला नाकाम, फिर माशाल्लाह जुल्फी बखारी साहब नाकाम, और उसके बाद सीएम साहब भी आज गए नाकाम, तो इमरान खान साहब किस जिद में है यार, ये किस चीज के बने हुए हैं कि उनको ना अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत है, यार लाशें पड़ी हुई हैं और वो कहता है अच्छा आ जाएंगे चले जाएंगे, खुदा ना खासा आसमान पर तो नहीं है जमीन पर है ना जाना चाहिए, जहां पर 55 रुपए का वो हेलीकॉप्टर चलता है चिंची रक्षे का, और इनकी हेलीकॉप्टर का खर्चा एक ही है, तो फिर वो चिंची को उधर ले जाए, खर्चा तो आना ही कोई नहीं, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज हकूमत नाकाम हो चुकी है, 2.5 साल के बाद खान साहब ने इकरारे जुर्म कर लिया, और इकरारे जुर्म के बाद माशाल्लाह चीनी ऐसे घूम रही है फिर 105 रुपए पर चले गई है, ये है खान साहब की फोरेंसिक लैबोरेटरीज, उनकी इंक्वायरियां, उनके FIA, उनके मैं समझता हूं मैं ये कहता हूं साहब की बातें दुरुस्त हैं, अगर यही बातें वाकई दुरुस्त हैं तो आवाम आपके साथ क्यों नहीं जा रही, किधर है आवाम? अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 को भावलपुर में सर्दी की शिद्दत, ये संडे को रैली थी मैकडॉनल्ड चौक से लेकर मैं समझता हूँ सराय की चौक तक, ने कह दिया उसने कहा 6 महीने शायद लग जाए 3 महीने लग जाए, तो आप ठंडे पड़ गए, अब ना ठंडे पड़े हैं ना हमें पड़ने की जरूरत है, और मैं समझता हूँ आज बन्नू में भी आवाम थी, एहसन इकबाल हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, मियाँ शबाशी साहब सदर है, और जिसको जिद और मैं समझता हूं कि तरक्की के रास्ते को रोकने के लिए शबाशी साहब को अंदर अरेस्ट करके, हकीकत मैं समझता हूं कि आज भी शबाशी साहब इत्साब कोर्ट में थे, हमदा शबाश साहब कोर्ट में, तो मुझे बता देना कि इनके पास तो कोर्ट छोड़ दें, वो क्या कहते हैं नहीं छोड़ दे, किसने छोड़ना है कोर्ट से छोड़ना है ना, ब्रिगेड साहब के दरबार में वेलकम कर, उसको ने छोड़ना है जिस पर राणा सनावला पर मंशियात डाली, और हम बैठे हुए थे तो जज ने कहा जी मुझे व्हाट्सएप आ गया है कि अब आप हेयरिंग नहीं कर सकते, और बाबर अवान साहब के चैंबर से 4 वकला आते हैं, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के खजाने से इधर भी लूट रहे हैं, उधर लंदन में भी लिटा दिए, इधर भी लिटा दिए, दोनों हाथों से, फिर फॉरन फंडिंग केस का हिसाब नहीं देते इमरान नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेड साहब, वालेकुम बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, राणा अरशद साहब बात कर रहे हैं तो जरा 2 मिनट सुन लें फिर मैं आपकी तरफ आते हैं। सर मैं अर्ज ये कर रहा था, आपने ये कहा मच से आप शुरू
मैंने आपसे ये कहा था कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, रेंग रही है क्या है, कि बनू में आप लोग नहीं है, मैंने यही कहा। आपने उधर चले गए महंगाई की तरफ, महंगाई है। मैं कहता फिर लोग आप सही तरीके से आवाम की नुमाइंदगी करते हो कि लाखों वो तो नहीं मना कर रहे, लाए जितने मर्जी बंदे लड़का रहे। इकबाल साहब 13 दिसंबर को मनारे पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत ने क्या किया, सर्दी की शिद्दत, हमारे साथ वो जो मर्जी करें, हम ना तो इत्तेहादी थे इलेक्शन के पहले, ना आज है ना होंगे। हमने तो मेरे भाई 25 जुलाई का इलेक्शन उसके खिलाफ कंटेस्ट किया और 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान का भी उसके खिलाफ कंटेस्ट किया था। अभी जिम्मे आएंगे फिर हमें परेशानी की जरूरत नहीं। परेशानी है खान साहब को कि उनकी अख्तर मैंगल कहां पे है, उनकी कावली कहां पे है, उनकी एमकेएम कहां पे है, जो वेल्ड किए थे वो वेल्ड प्लांट अगर आगे पीछे हो गया तो वो क्या करेंगे, इसलिए मर्ज करना चाहता हूं। दूसरा आज आपने जिक्र किया कि वहां वजीर आजम नहीं गए और वहां बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान में दहशत गर्दी, आपने कहा बॉर्डर बहुत लंबे होती रहती है, नहीं होनी चाहिए, यानी वो बिल्कुल ही बॉर्डर के साथ है और वो हजारा के साथ आगे हुआ वजह, जब हम उस तरह की बात करते हैं वो तो चलो पता भी नहीं लगा। आपके दौर में सान मॉडल टाउन तभी तक कुछ नहीं हुआ जी, मैंने सुना है शायद वो 12 मई 2007 को आपके कराची के एयरपोर्ट पर कुछ हुआ था, कितने लोग थे जरा बता दे। वो भी के साथ बावन लोग थे ना, वो भी दर्दनाक वाक्य था, सान्या मॉडल टाउन भी दर्दनाक वाक्य है। तो सान्या मॉडल टाउन जायवाल भी होना चाहिए। सान्या मॉडल टाउन में जो होम सेक्रेटरी था, क्या नाम था उसका, मेजर आजम सुलेमान साहब, जिसको आपने इंटीरियर सेक्रेटरी लगा दिया, जिसको आपने चीफ सेक्रेटरी लगा दिया, डीसी लाहौर कैप्टन सुवार को आपने सेक्रेटरी हेल्थ लगा दिया। मैं कहता हूं 2.5 साल से कादरी साहब कहां पे हैं, हम वर्षा के साथ है, उनके गांव के साथ, मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर, पहले दिन भी हमदर्दी थी आज भी है, लेकिन अब कादरी साहब क्यों नहीं आते, अब कहां हैं। बगैर साहब आप सुन रहे हैं कि जाहिर है वही मौजूद डिस्कशन होती है, मुल्क है दहशतगर्दी में, तो बहुत ज्यादा हम नुकसान बिठा चुके हैं। आज भी यानी नेक्टा ने कराची के लिए एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट जारी किया है कि वहां दहशतगर्दी का शदीद खतरा है और बैरूनी जो एजेंसी है वो कोई भी कार्रवाई कर सके, आज की बात है, क्या कहेंगे, यानी मच के को भी हम इसके रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कोई वाकया होता है थोड़ी देर बाद उनको पैसे मिलते हैं बेचारों को तो फिर वो दब जाते हैं केस। बहुत मच से बड़ा जो वाकया है और ये मच का एक वाकया नहीं है और इस बिरादरी के साथ एक वाकया नहीं है, इस बिरादरी के साथ से पहले भी बहुत वाकयात हो चुके हैं और हर गवर्नमेंट के जमाने में हुए, ये सारे नंगे हैं जितने इस हमाम में है ना, एवरीबॉडी इज नेकेड इस हमाम के अंदर जब आप दहशतगर्दी के हिसाब से चीजों को देखते हैं। और यहाँ पे वो भी हुआ कि लोग बेचारे उन ज्यारतों के लिए जा रहे थे तो आपको याद आर सी डी आई हुए गाड़ियां खड़ी करके उन बेचारों गाड़ियां खड़ी करे, तो इसमें कोई कोई किसी को आप निकाल नहीं सकते, मतलब जितने भी ऊपर आ रहे हैं सब सब मतलब हद दर्जे के निकम्मे। और आज अभी तक इमरान खान साहब वहां अगर वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इधर आए तो इमरान खान साहब को जाना चाहिए, इमरान खान साहब अभी तक नहीं गए। अच्छा वजह क्या है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, आप उस पर वेतन नजर डाल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है, मैं तो आपसे आज कर रहा हूँ कि इमरान खान उनको उनकी डिमांड ही नहीं आनी चाहिए थी, ही शुड हैव बीन प्रोएक्टिव एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लीडरशिप की थीसिस क्या कहते हैं, लीडरशिप का थीसिस ये कहता है जो दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, दुनिया के तमाम मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है कि जब एक लीडर किसी चीज में कामयाब होता है तो वो अपनी कामयाबी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपनी टाइम अपनी टीम के ऊपर कि ये इनकी वजह से ये हुआ है, लेकिन जब कोई नाकामी होती है या कोई ऐसा वाकया होता है तो वो उसको अपने ऊपर एक्सेप्ट करता है कि हाँ जी मैं इसमें सही परफॉर्म नहीं कर सका, और वो फिर उसको कहते हैं प्रोएक्टिव लीडरशिप जिसको आप कहते हैं। वहां का जो वजीर आला है वो दुबई में था, यही मैं करूँ ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो मैं तो इसमें सियासत पे कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही दुख वाला टॉपिक है। कल पीडीएम बनू में जैसा क्या एक और भी एक तबका है वो ये कहता है कि जिस जगह ये वाकया हुआ है वो बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, वजीर सिक्योरिटी को खतरा है। आप मच को समझे, कौन उल्लू कहता है बॉर्डर के नजदीक है, मच कोयटा से 52 किलोमीटर है, मच आपकी मेन रेलवे लाइन के ऊपर आता है, किधर से बॉर्डर आ गया यहाँ पे मच के अंदर यार, मच में कोयले की काने हैं जिसमें कानपुन काम करते हैं, एक घर है जिससे चार बच्चे चार जो मर्द मर गए। अच्छा क्या ऐसे वाकया जो है जाहिर होते रहते हैं, पर कोई भी दुनिया का मुल्क होते रहते हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा, सजाएं तो मिलती नहीं ना कुछ। आपके पास टाइम नहीं है, मैंने 1974 से लेकर बात करें आप
टाइम है हमारे पास, 74 से लेके और 79 की जो इंसर्जेंसी थी ना, जब अपना भुट्टो साहब ने बुक्ति की गवर्नमेंट को खत्म किया था, उसके बाद बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी हो गई थी 70s में, आपको याद है। हमने सारा बलोचिस्तान पैदल फिर के देखा है और वहां पे 3 साल ऑपरेशन किए बलोचिस्तान के। आई अंडरस्टैंड बलोचिस्तान की कौन सी चीज कहाँ पे वाकई है, कौन से रूट्स हैं, कहाँ पे कैंप्स हैं, किस तरह की चीजें हैं, कौन उसके अंदर इंडक्ट है, कौन उसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है। तो ये तमाम चीजें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पता होती है, हर दौर में होता रहा है। कोई आज खड़ा होकर ये कहे कि आज हो गया तो हम फलाना नहीं गया, या स्मॉल टाउन हो गया तो सेक्टरी को फलानी जगह लगा दिया, तो जब आपके जमाने वो सेक्टरी था तो आपने उसे अगले दिन उसको क्यों नहीं पकड़ा था होम सेक्टरी को, 3 साल बाद आप कहते हैं कि जी उसको आपने होम, भाई जब आपने नहीं पकड़ा तो अगली हुकूमत क्यों पकड़ती, खुलती तो आपकी, आप पकड़ लेते ना उसको, सेट कर देते उस आईजी को और उस सेक्टरी को। यू डिडंट हैव द करेज टू सेट देम बिकॉज यू वर इन्वॉल्वड इन दैट, द गवर्नमेंट वॉज इन्वॉल्वड इन दिस मैसेकर ऑफ स्मॉल टाउन। अब इससे छुटकारा नहीं हो सकता। ये और बात है, हमारे यहाँ जिस तरह सिस्टम चलता है उसमें हर बंदा बंदों को मार के निकल जाता है, बाहर आके व्यक्ति का निशान बनाता है। लेकिन बघेल साहब आखिर कब था, क्योंकि तातरिया का वृद्धा शुद्ध मार्गदर्शन था, वृद्धा शुद्ध वो तो लोग एसपी डीएजी बन गए, डीएजी आईजी बन गए, नहीं आएगी। ये दुख तो यही है ना, आज यही तो दुख है, इसलिए कि जो चीजें हो रही है वो पाकिस्तान पे, ये कुछ चीजें बाहर से इम्पोज की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जी वहां पे जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से जो आप चीजें देखते हैं, या जो रॉ के हिसाब से आप चीजें देखते हैं, एंटी स्टेट एलिमेंट के हिसाब से आप जो थी वो मौजूद है, लेकिन उनको कर्टेल करना। अब बलूचिस्तान एक तरह से डाउन स्लाइड पे चला गया था, आपको पता है कि वहां पे वाकयात जो है वो नीचे आ गए थे, क्योंकि वहां पे आपने कंटिन्यूटी में ऑपरेशन किए थे, जहां से मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑपरेशन में स्लर आया है या थोड़ा सा उस पर गैप आया है, तो वो बलूचिस्तान अपना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहें या बलूच रिपब्लिक आर्मी कहें, उसके जो कर्ता धरता है अरबियार मरी या बरमदाद दुखी, वो कहाँ बैठे हुए, वो गांधी की समाधि में फूल चढ़ा रहे होते। हमने तो कभी कोई सियासत तो नहीं है ना कि हमने तो कभी दुश्मन को दुश्मन कहा ही, नवाज शरीफ के जमाने में कहा कि इंडिया इन्वॉल्व है, जब एपीएस का वाकया होता कोई बोला था कि इंडिया इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो जब आप इंडिया कहा ही नहीं आपने, दुश्मन को लिवरेज दिया के खेले, यू वर एन एजेंट ऑफ एनिमी। अच्छा ब्रिगेड साहब, ब्रिगेड साहब जरा मैं ना अपना जरा, बल्कि आपको आपको आसानी रहेगी, आपको आसानी रहेगी, मरने पे हम सियासत खेलते रहेंगे, आपको आसानी रहेगी, खेलने का शौक है ना, हम कहते हैं हमारा लीडर जो है वो पता नहीं वो पैदा हुआ था तो उसके बाद तो कुछ भाई सही चीज को पहचानो यार, चीज को। अच्छा ब्रिगेड साहब एक मिनट, गलत गल है और जिस दौर में भी वो चीज गलत हुई है वो गलत है। आज अगर इमरान खान साहब तो हम नहीं चाह रहे, गलत है, ही शुड बी देयर इन क्वेटा, उनको जाना चाहिए क्वेटा, उनके साथ खड़ा होना चाहिए उन लोगों। बघेल साहब एक मिनट दीजिएगा, रुकिएगा इस्लामाबाद में कि आप नहीं जा सकते, अब आपने खुला टाइम दे दिया, एक मिनट रुकिएगा ब्रिगेड साहब लाइन पर रहिएगा, मैं अगर पैनल का देखो आपको आसानी रहेगी, फिर जा रहे आपसे बातें हैं जी कर्नल साहब। वजह यह है कि ऐसे वाकयात होते रहते हैं, ये तो कोई बात नहीं, होते रहते हैं, तो अंजाम तो कोई चीज में आपसे अर्ज कर दूं, इट्स नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है हर गवर्नमेंट के अंदर जो लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उसके अंदर सीरियसनेस बिल्कुल हकीकत में आपको बताऊं इट हैज ऑलवेज बिन मिसिंग, और स्पेशली ये जो इंसिडेंट हुआ है जिसके अंदर इस बेईमाना तरीके से इन 11 लोगों को शहीद किया गया, इन 11 घरों को एक्चुअली तबाह कर दिया गया, सर्टली यस इट इज पेनफुल फॉर एवरीबडी, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी आपसे ये कहूंगा कि इस सारे कजारा, इसलिए हम नाम नहीं लेते कि फिर एक कम्युनिटी की बात बन जाती है, हालांकि बड़े दुर्मन लोग हैं बेचारे, मैं उसकी तो बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तानी थे या उसमें से कुछ वो अफगान नेशनल थे, बट फाइन दे वर हेयर इन पाकिस्तान एंड वी वर सपोज टू प्रोटेक्ट देम। सो मैं ये जरूर कहूंगा कि वहां की जो सूबाई हुकूमत, क्योंकि अब अमन अमान जो भी आता है वो सूबाई हुकूमत के जुमरे के अंदर जाता है, यस इट्स एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और फिर जो कान वाले हैं कानकुनी वाले ये भी हमें पता होना चाहिए, वो सिक्योरिटी चार्जेस भी देते हैं वहां पर, जो सिक्योरिटी पे लोग आते हैं उनको, इसका मतलब है कि जो लोग वहां की सिक्योरिटी कर रहे थे दे हैव मिजरेबली बिन फेल्ड, और जो उनको जिस तरीके से उनकी प्रोटेक्शन में जाना चाहिए था वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सके। इसी के साथ मैं आपसे ये कहूंगा इट इज नॉट ओनली, मैं अगर आप कहें जो BRA या BLA की अगर आप बात करते हैं, एक दाइश का बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं आपसे ये बताऊं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर ओवरऑल, इवन सीरिया के अंदर, लिबिया के अंदर, इराक के अंदर, अब नेचुरली उनकी वो स्पेस नहीं है, एंड यू फाइंड देम मूविंग टुवर्ड्स अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। मैं ये आपसे कहूंगा कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हमारी पोलिटिकल पार्टीज करती रहें,
गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी वेरी सीरियस, चाहे आप उसको ये कह लीजिए कि जब 2014 के अंदर हमारे जो बच्चे शहीद हुए थे और उसके बाद फिर आपने जो एक नेशनल स्ट्रेटजी आपने बनाई थी 2013 में भी वाकया हुआ था, उस वक्त ट्वीट भी किया था इमरान खान ने। मैं व्हाट आई वांटेड टू से इज कि हुकूमत को इसके अंदर मेरा ख्याल है कि एक एक स्टेप आगे आना पड़ेगा। और ठीक है, बिल्कुल मैं गजनफर को एग्री करता हूँ कि भाई ही इज द प्रीमियर, पूरे मुल्क के वो वजीर आजम है, कोई छोटा सा भी इंसिडेंट होता है, ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, छोटा इंसिडेंट भी होता है, एंड ही शुड बी देयर, अपने लोगों के साथ खड़े हों और उनको एक लिहाज से थोड़ा सा, जब एक मुल्क का वजीर आजम वहां जब चल के आता है तो सर्टनली एक बड़ा क्लियर मैसेज आप पूरी दुनिया को एक लिहाज से देते हैं, एंड स्पेशली फॉर दोज पीपल जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड और जिस तरह की ऑपरेशन हो रहे हैं उनके साथ जब नहीं, आपने देखा कि एक कोर कमांडर मीटिंग में भी ये बात कर रहे हैं, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये जरूर कहूंगा कराची में जो अलर्ट हुआ है नेक्टा का, वजह यह है कि सियासतदान सीरियस नहीं रहते, जहां भी आप जलसा या जुलूस मीडियम करती है तो वाकया खुदा करे ना ही हो, लेकिन अगर हो जाए तो फिर इल्जाम आएगा हुकूमत पर। मैं अर्ज करता हूँ कि ये दर्दनाक वाकयात होते रहे हैं, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा आती हैं, जब वो अभी बात हो रही थी वो NRO किसने दिया किसने लिया, तो जब मोहतरमा आई तो उनकी आमद के जुलूस पर कितने लोग 125-150 के करीब लोग अल्लाह को प्यारे हुए, 180 वो इंसान थे ना, किसी के बाप थे किसी के बेटे थे, और फिर अदारे जब रेड अलर्ट देते हैं तो फिर सुनना चाहिए, तो फिर उसको सीरियस थोड़ा सा लेना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। गुजारे ये है कि मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये 2012 में भी वाकया हुआ था, लेकिन वहां पर नहीं 12 था, अच्छा ठीक 12 था, और उस वक्त जरदारी साहब सदर थे, और मतलब हम पंजाब में इधर गवर्नमेंट थे। इशू ये है कि इमरान खान साहब बतौर ऑपोजिशन वहां पर गए और सारी गवर्नमेंटों को रगड़ा दिया कि ये फेलियर है। आज हम दानिशमंदी का मजारा इसलिए कर रहे हैं कि ये दर्दनाक वाकया है, इसमें हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना चाहते, वरना हमें भी हमारी भी हमदर्दियां हैं, हम भी वहां पर जा सकते हैं। असेंबली का इजलास बुलाया, रेजोल्यूशन है, क्यों नहीं लाते असेंबली है, असेंबली का रेजोल्यूशन असेंबली है कहां पे, कि जिसमें खान साहब ने आना है या किसी और ने आना है, असेंबली है तो मौजूद, फिलहाल तो आपने नहीं दी है ना, आपने सिर्फ अपने पास रखे, असेंबली तो है। मैं समझता हूं कि असेंबली में तो खान साहब ने कहा था कि हर वेडनेसडे को आया करेंगे, अब वो नहीं आते तो हम क्या करें। मैं अर्ज करना चाहता हूं मरियम नवाज शरीफ चले जाए, बिलावल चला जाए, कोई क्यों नहीं जाते, हम जा सकते हैं, हमें पता है, लेकिन जाएंगे तो वहां जज्बात उभरेंगे ना, फिर वो जब खुदा ना खास्ता को लेफ्ट राइट होगा तो वो कहेंगे तो आप ना मैं नहीं करना चाहता। मैं अर्ज किया कि हम इस माहौल में दर्दनाक वाकया, फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब 2013 में मियां नवाशी साहब सितंबर में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर बनकर, तो वहां पर मियां नवाशी साहब की स्पीच आप निकाल लें, कर्नल साहब भी निकाल सकते हैं और ब्रिगेडियर साहब भी निकाल सकते हैं, हो सकता है अगर मुझे गलती है, वहां पर मियां नवाशी साहब ने अपनी स्पीच में शिमाली वजीरस्तान का जिक्र किया, राह का जिक्र किया और इंडियन एजेंसीज की इन्वायरमेंट का जिक्र किया, और उसके बाद 16 जून 2014 को जरबेजब का आगाज किया, मियां नवाशी साहब तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया, अस्करी किया तो गवर्नमेंट ने मिलकर 80,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके थे, 10,000 से ज्यादा फौजे पाकिस्तान के बेटे शहीद हो चुके थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो स्टेट जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौम का, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो पार्टी का नहीं होता। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब तहफात अपनी जगह पे, एक साहब एक पोर्शन है, लेकिन बाकी पोर्शन को दोनों डील करना चाहिए। बगैर साहब अच्छा ये है कि अब एक जो रिवाज बन गया था, मसलन आप तो क्वेटा में जब अवैस नूरानी ने वहाँ तकरीर की, फिर वक्तर फोक्तर PDM के जलसों में, यानी मुस्लिम लीग नून को तो मैं नहीं कहता, यानी उनकी तकरीर पर पाबंदी भी है, बिलावल ने भी इस वक्त नहीं कहा, फजल और रहमान जो इस किस्म की फिर बोली बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को मैं अफगानिस्तान बना दूंगा और डायरेक्ट मैं यानी रावलपिंडी जाऊँगा, पीछे से हट जाएं आगे से हट जाएं, वजह इनके खिलाफ प्रोसीड क्यों नहीं हुकूमतें करती, तो क्या देखिए इकबाल साहब फजल रहमान के बारे में तो उसकी पार्टी के लोगों ने कह दिया कि वो चोर है, काजी हुसैन अहमद साहब ने कहा वो झूठा है, हुसैन अहमद साहब ने, उसके बाद जो शिराजी साहब ने कहा वो भी आपको पता है कि पूरी की पूरी पार्टी को वो तो है झूठा, लेकिन उसके खिलाफ केस क्यों नहीं होता के लिए। अब देखिए कि चोर के खिलाफ जो कन्फर्म चोर है वो चोर तो पुलिस को खराब ही कहता है, कोई चोर ऐसा है जो पुलिस की तारीफ करता है, लोगों का हौसला तो बढ़ता है, दुश्मन का इंडियन टीवी दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे राणा अरशद साहब बैठे हुए,
अगर आप फजल रहमान को पकड़ के ले जाते हैं या फजल रहमान के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करते हैं या कोई चीज करते हैं तो ये आप देख लें फिर जो सियासी पार्टियां पीडीएम की है बाकी वो क्या शोर मचाएगी। तो मेरा ख्याल है नहीं उनको पकड़ ले कुछ नहीं किसने शोर मचाना उनको जो वो कह रहे हैं राणा साहब कह रहे हैं पकड़ ले वो खुद ही अपनी खाई में गिर जाएगा। अच्छा क्योंकि वो मतलब वो जिस किस्म का आदमी है डीजल ऐसे ही तो नहीं नाम पड़ा था ना हर गवर्नमेंट से फायदा उठाया। अभी इतलास मैं तो बहुत छोटा मैं तो बहुत आराम सा आम सा आदमी हूँ ना इतलास सिंह साहब का इंटरव्यू था अभी उन्होंने कहा ये पीएमएलएन के लीडरशिप के पास जाता है वहां जाके कुछ कहता है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास गया वहां आके कुछ कहा ये झूठ बोलता है कि इधर भी झूठ बोलता है उधर भी झूठ बोलता है। अब वो तो सियासी आदमी है ना बहुत बड़े वो गलत बात तो नहीं कह सकते हम तो चलो हमारी बात तो कोई ना माने तो इसका करेक्टर तो पूरी दुनिया को पता है पूरे करेक्टर तो है लेकिन वजह है कि जिस वक्त कोई बंदा आम जुर्म करता है करेक्टर लेस भी हो तो अगर मर्डर करे या चोरी करे तो उसे पकड़ना नहीं है। सर 2002 से कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कौन था कागली की गवर्नमेंट में? नहीं सर नहीं सर सर इसमें ना इसमें इसमें एक बादशाह से एक मैं आपसे ऐड करूंगा कि मेरा ख्याल है आप देखें इसको जो चोर होता है ना जिसने डाका मारा होता है और जिसके एंड पे उसको पता हो कि कानून की पकड़ उस तक पहुंच रही है वो इसी तरह का वावेला करता है बिल्कुल पागल नहीं, नहीं, वावेला करना ये क्या बात हुई मेरी मेरी सुन तो लीजिए ना मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ सर आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ याद कर रहा था कि उसको पकड़ना पकड़ के उसके ऊपर फिर सॉलिड किस्म का केस चलाना चाहिए। जी जी आप जब हे वाइज बातचीत करते हैं ना कि मैं जीएसटी जाऊंगा मैं पिंडी जाऊंगा मैं फलाना जाऊंगा तो उसके ऊपर तो एक स्टेटमेंट है पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उसके ऊपर तो देखे ना फिर बड़ा अभी अमरीका में पुलिस वाले ने दो बंदों को मारा है तो अभी मैं उनके अटॉर्नी जनरल को सुन रहा हूँ उसने कहा कि जी उसने मारा है अपने दफा में मारा है चीज ऐसे सामने नहीं आई है जिसे पता हो कि वो मारना चाहता था उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। मेरा मतलब ये कि जब आप अदालत में चीज लेके जाते हैं फिर वो इतनी सॉलिड बेसिस पे होनी चाहिए। अच्छा लास्ट एक सवाल का जवाब दे दें क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है वकील साहब कि ये परसेप्शन है क्योंकि पहले अजहर सदीक साहब भी आए हुए थे एनआरओ की बात करते हैं इमरान खान साहब भी करते हैं उन सदर मुशर्रफ ने एनआरओ दिया मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि लाओ डॉक्यूमेंट कहा हमने एनआरओ इस पर आपको कोई है इलम के एनआरओ दिया था कि नहीं दिया था? सर जब दिया था मतलब आप ये कहेंगे जी नवाज शरीफ साहब जब गए थे तो वो डॉक्यूमेंट लेके आए अब मैं उस वक्त कमांडर आए थे पंजाब था मुझे पता है कि किस तरह वो गए थे। अब मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊं क्या उससे पहले हुआ था टेलीफोन पे बातें क्या होती थी हरैरी के साथ सब वो जाहिर है आप बड़े हैं आपके नॉलेज में है वो क्या नाम था यार वो रेवन डेविस है वो भी एक था उसका भी देखना हर चीज का एक डिफरेंट चीज है ये है अगर मियां नवाज शरीफ ने एनआरओ करना था फिर 14 माह जेल क्यों काटी है? क्या नवाज शरीफ चोर है सर सीबीसी के इंटरव्यू में और सर चोर तो पूरा पाकिस्तान है आप ये ना दें हम चोर नहीं है अगर हमारा लीडर चोर है तो उससे सब बड़े चोर है और मुल्क दोनों हाथों से लूट रहे हैं आपके दोस्त भी लूट रहे हैं। इशू ये है कि भाई मियां नवाज शरीफ ने तो 88 में ये शौकत खानम के लिए 50 करोड़ रुपए दिए थे किसी और के बाप ने दिए सामने राणा साहब जेब से दिए थे पैसे दिए थे और क्या लिए थे आपको जेब से दिए थे इसी पर शर्त लगा रहे जमीन सरकारी थी जमीन सरकारी दी थी जो डोनेशन था वो मियां शरीफ ने जेब से दिया था यही तो बात है जो जाती सरकारी पैसों से बनाया एंड यू एक्सपेक्ट क्या रहा हूँ भाई सरकारी पैसे ले लेना बात तो ये कर रहे सरकारी पैसे ले रहे चार दीवारी पे खर्च कर दिया सरकारी पैसा सफल करोड़ आवाम के टैक्स में पैसे मैं साहब आपको डिफेंड मैं यही तो कहता हूँ चेयरमैन चलाते रहे सीट बैठ के चेयरमैन सब बाजवा साहब के लिए मतलब उनको आप अपने सीनियर दोस्त से आसिफ बाजवा साहब नहीं नहीं मैं कहता हूँ साफ साफ का होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए साफ तो हाजिर बोल होना चाहिए आसिफ बाजवा को क्या नहीं है लेके जाइए ना कोर्ट में कौन लेके जाए कौन सी कोर्ट लेके जाए यही तो प्रॉब्लम है तो इशू है किसी ने किया जो जस्टिस का शुक्रिया केस ही खत्म हो गया प्रोग्राम देखा सुना आप बेहतरीन जज हैं अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है अपना और अलीखाना का ख्याल रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद।